नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा इंग्लिश एकेडमी पर। हमें शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उनका अर्थ आना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, पर दोनों के अर्थ में पास पास होते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसे मैं दो भागों में बताऊँगा। और आइए शुरू करते हैं। पहला भाग, एडमिट, मतलब सत्य के रूप में स्वीकार करना। और कन्फेस, यहाँ भी इसका मीनिंग जो होता है वो है गलती स्वीकार करना। दोनों का जो मीनिंग है लगभग पास में ही है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है उसमें बहुत बड़ी भिन्नता है। और इसको अगर वाक्य में प्रयोग करके देखें तो देखिए, I admit that you are abler than I am, मतलब कि यह स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे अधिक योग्य हो। और confess को अगर वाक्य में प्रयोग करें तो he confessed his guilt before the judge, मतलब उसने जज के सामने अपना दोष स्वीकार किया। Among और between में क्या अंतर है? देखिए, among दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब तुलना करनी हो तो अमंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करना हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग फोर चिल्ड्रेन, मतलब संपत्ति को चार बच्चों में बांटा गया। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू चिल्ड्रेन, संपत्ति को दो बच्चों में बांटा गया। बेटर और वेल, बेटर का अर्थ होता है पहले से कुछ स्वस्थ पर पूरी तरह नहीं, वहीं वेल का अर्थ होता है पूरी तरह स्वस्थ। और वाक्य में प्रयोग इसका है, सी इज बेटर टूडे देन सी वॉज अ वीक अगो, वह एक हफ्ता पहले की अपेक्षा आज अधिक स्वस्थ है। इन अ मंथ और टू सी विल बी क्वाइट वेल, मतलब एक या दो महीने में वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। कैन और मे, कैन मतलब होता है शारीरिक रूप से समर्थ, और मे का मतलब होता है आज्ञा या अनुमति के अर्थ में। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, मतलब वह इतनी कमजोर है कि चल फिर नहीं सकती। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्लाइमेट और वेदर, क्लाइमेट का उपयोग वहाँ होता है जैसे कि एक औसत मौसम जो कि सालों से एक निश्चित समय में रहता है, वहाँ हम लोग क्लाइमेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति अर्थात मौसम को वेदर बोला जाता है। आई लाइक द क्लाइमेट ऑफ शिमला मोर देन दैट ऑफ देहरादून, मतलब मैं देहरादून की आबोहवा की अपेक्षा शिमला की आबोहवा अधिक पसंद करता हूँ। द वेदर वॉज स्टॉर्मिंग, मतलब आंधी का मौसम था। कपल और पेयर, कपल का मतलब होता है जोड़ा और पेयर का मतलब होता है एक सी वस्तुएं। द कपल रिमेंड ऑन डांस फ्लोर, मतलब दो जोड़े नाच के फर्श पर रह गए। आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मतलब मेरे पास एक नया जूते का जोड़ा है। डिस्पाइस और डिटेस्ट, डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, वहीं डिटेस्ट का मतलब होता है पसंद ना करना। सम पीपल डिस्पाइस द पुअर, मतलब कुछ लोग गरीबों से घृणा करते हैं। आई डिटेस्ट हॉट वेदर, मुझे गर्मी का मौसम पसंद नहीं है। ईच अदर और वन अनदर, मतलब ईच अदर का मतलब होता है आपस में, जब दो व्यक्तियों में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब उपयोग किया जाता है ईच अदर। वहीं जब दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना किया जाए तब आता है वन अनदर। कविता एंड सविता हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years, मतलब कविता और सविता आपस में 10 वर्षों से परिचित हैं। दीज फोर गर्ल्स हैव नोन वन अनदर फॉर 10 years, मतलब ये चार लड़कियां एक दूसरे से 10 वर्षों से परिचित हैं। इफ और वेदर का प्रयोग, इफ का मतलब होता है शर्त सूचक अव्यय यदि, और वेदर का मतलब होता है विकल्प सूचक अव्यय, मतलब वहाँ चॉइस है। तो इसका प्रयोग अगर वाक्य में करते हैं तो कुछ इस तरह से है।
शी विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन इफ शी वर्क हार्ड, मतलब यदि वह मेहनत करेगी तो उत्तीर्ण हो जाएगी। शी आस्क्ड मी वेदर आई इंटेंटेड टू गो टू सिनेमा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिनेमा जाना चाहता था। इफ इट वॉज, मतलब यदि ऐसा था। इफ इट वर, यदि ऐसा होता। इफ इट वॉज देयर इन द मॉर्निंग इट शुड बी देयर नाउ, यदि वह वस्तु प्रातः वहाँ थी तो अब भी वही होनी चाहिए। इफ इट वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव पॉवर्टी, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबी हटा देता। तो कैसा लगा यह वीडियो? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहें। धन्यवाद।